नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बातचीत करेंगे आज के सबसे बड़े और सबसे हॉट टॉपिक के बारे में, जो कि है वजीरएक्स हैक। और उसके साथ साथ बातचीत करेंगे यहाँ पर इथेरियम ईटीएफ के बारे में भी, कि कब ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है इथेरियम ईटीएफ की। और यहाँ पर बातचीत करेंगे थोड़ा बहुत ऑल्ट कॉइन्स रिलेटेड भी, कि क्या ये समय बहुत ही अच्छा समय होगा ऑल्ट कॉइन्स में बाइंग करने का, या फिर थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि वो सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलते हैं फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम वजीरएक्स रिलेटेड डिस्कशन करेंगे थोड़ी बहुत। और यहां पर देख सकते हैं आप कि आज सुबह यह न्यूज निकल कर आई जहां पर लिखा था कि वजीरएक्स सफर सिक्योरिटी ब्रीच, $235 million वर्थ ऑफ फंड्स मूव्ड, राइट। यहाँ पर हैक हुआ, उसमें 235 million वर्थ ऑफ डॉलर्स वर्थ जो पर जो फंड्स थे वो मूव कर लिए गए। इसके अंदर अगर हम देखें थोड़ा बहुत नीचे, अगर यहाँ पर इस न्यूज आर्टिकल में चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैक करने के बाद यहाँ पर पेपे, गाला, यूएसडीटी जो है वो इथेरियम के अंदर कन्वर्ट कर दिए गए, और भी यहाँ पर स्वैप्स जो है वो चल रहे थे उसी वॉलेट के अंदर जिसमें कि हैक कर फंड को मूव किया गया। उसी के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि वजीरएक्स ने टेम्परेली सस्पेंड कर दिया क्रिप्टो डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स आफ्टर 230 million वर्थ ऑफ हैक। और उसी के साथ साथ INR विड्रॉल्स भी बंद कर दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं कि शिबा वहां पर उस वॉलेट के अंदर था जो कि 96.7 million वर्थ का था, इथेरियम था, मैटिक था, पेपे था, यूएसडीटी था, फ्लोकी था, और भी कुछ क्रिप्टोकरेंसीज थी जो कि यहां पर हैक हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, 235 million वर्थ ऑफ ब्रीच, ये सारी चीजें, ये बहुत बड़ा ब्रीच है। और इसके बेसिस पे एक इंडियन एक्सचेंज के पास से इतना बड़ा फंड मूव होना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग थिंग, जो कि यहाँ पर हम सब लोग देख रहे हैं कि एक इंडियन एक्सचेंज इस तरीके से हैक हो रहा है। और साथ ही साथ न्यूज ये निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि इसके पीछे जो है कुछ नॉर्थ कोरियन ग्रुप का जो है वो हाथ है, और नॉर्थ कोरियन ग्रुप्स ने जो है वो इस तरीके से किया है। पहले भी नॉर्थ कोरिया ने मतलब किसी तरीके से जो है वो चीज़ें जो है यहाँ पर निकल कर आती रही हैं कि नॉर्थ कोरिया किस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें करता है हैकिंग और वो सब कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती है। और अगर यहाँ पर ऐसा कुछ है कि नॉर्थ कोरियंस ने एक्चुअली में नॉर्थ कोरियंस ने हैक किया है, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट दोज फंड्स बैक, राइट। ये बहुत डिफिकल्ट होगा कि उन फंड्स को वापस लेकर आया जाए। क्या होगा, कैसे होगा, इस चीज के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कुछ अनाउंसमेंट्स का, कि क्या वजीरएक्स किस तरीके की अनाउंसमेंट्स करता है और क्या कुछ चीजें देखने को मिलती है फ्यूचर के अंदर वजीरएक्स की तरफ से, उसके बाद ही कुछ चीजें डिसाइड की जा सकती हैं। क्या यहाँ पर कुछ सपोर्ट मिलेगा वजीरएक्स को, वो सारी चीजें आने वाले वक्त में आप लोगों के साथ बताएंगे, डिस्कशन करेंगे, आपके लिए वीडियोज भी लेकर आएंगे, सारी बातें उस चीज में डिस्कशन आपके साथ करेंगे आने वाले वक्त के अंदर। साथ ही साथ अब जो दूसरा टॉपिक यहाँ पर आप सब लोगों के साथ बातचीत करना चाहेंगे वो है इथेरियम के ईटीएफ के बारे में। बहुत जल्द इथेरियम का ETF जो है उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है। आपको लेके चलते हैं वापस से हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां पर आपको बताएंगे। तो देख सकते हैं आप कि इथेरियम ETF गो लाइव ऑन ट्यूजडे, राइट। तो यहां पर कौन सा ट्यूजडे, सो बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं एक्सपेक्टेड टू बिगिन ट्रेडिंग ऑन ट्यूजडे 23rd July, राइट। यहां पर ये इथेरियम की जो है ETF की ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है, इस तरीके की न्यूज निकल कर आ रही है। क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, देखिए वैसे तो इस समय पर अगर हम बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस $65,000, राइट। अभी मेरी स्क्रीन पर 64,980 दिखा रहा है, एक सेकेंड पहले यहां पर जो है वो 65 था, वापस से 65 हो गया, $65,000 हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी इथेरियम ट्रेड कर रहा है $34.82 के आसपास, राइट, $34,082 के आसपास। और यहां पर जो मेरे को चार्ट पर नजर आ रहा है, राइट, सो मैं यहां पर आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पहले भी वैसे आप सब लोगों के साथ ये डिस्कशन प्रीवियस वीडियोस के अंदर कर चुका हूं, तो मेरे हिसाब से ये जो था एक बहुत ही करेक्टिव मूव ऑलरेडी आ चुका था। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ए बी सी मूव यहां पर मेरे को नजर आ रहा था। और मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे देखिए यहां पर ये ए वेव, राइट, दिस इज करेक्टिव मूव था ये, राइट, ए बी एंड सी, राइट। सो दिस इज द थिंग जो कि हमको यहां पर नजर आ रही थी। नाउ व्हाट आई एम सीइंग ऑन द चार्ट, राइट, आज की कैंडल क्लोजर अगर ग्रीन यहां पर होती है
और थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ मूव करते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां पर जो मूव हमको दिखाई देगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो $3,500 $3,600 के आसपास ऊपर मूव दिखाई दे सकता है। $3,600 के आसपास का मूव हमको इथेरियम के अंदर देखने को मिल सकता है, 3,500 से थोड़ा सा ऊपर ही बेसिकली। तो यहाँ पर 3,600 के आसपास का मूव दिखाई देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा इसको इस तरीके से बड़ा करते हैं चार्ट को, तो हमको यहाँ पर एक चीज नजर आएगी जो कि हमको कुछ चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर क्लियर एकदम नजर आ रही है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, देखिए वो मैंने वैसे बिटकॉइन के लिए बताया था लेकिन इथेरियम के ऊपर भी सेम ही बात है, ठीक है, अलग नहीं है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये हमको क्लियरली नजर आ रहा है कि दिस इज वन राइट, उसके बाद ये रेड कैंडल आई, दिस इज टू राइट, एंड देन ग्रीन बहुत सारी कैंडल्स आई, तीन चार कैंडल्स, दिस इज थ्री, एंड फिर उसके बाद रेड कैंडल्स आई फोर राइट, एंड फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल आ रही है फाइव राइट, वन टू थ्री राइट। सो इस तरीके से वन टू थ्री, उसके बाद ये फोर, एंड देन दिस इज फाइव राइट। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि $3,600 के आसपास का जो है वो मूव देखने को मिल सकता है, और अगर ऐसा कुछ अगर होता है तो दिस इज विल बी द फर्स्ट इम्पल्सिव वेव इन द इथेरियम राइट, और उसी के साथ साथ फिर सेकेंड वेव डाउन राइट, इसको हम कहेंगे मेजर। यहाँ पर फर्स्ट वेव, देन सेकेंड वेव डाउन, एंड देन थर्ड वेव विल गो टू गो लाइक दिस राइट। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही इथेरियम का ETF अप्रूव होगा उसके बाद हम एक ड्रॉप देख सकते हैं राइट, जो कि मैं देखने का चाहूंगा यहाँ पर राउंड अबाउट $3,000 के आसपास राइट, $3,100 के आसपास का एक मूव देखना चाहूंगा मैं यहाँ पर। और जब यहाँ पर आ जाए इथेरियम का प्राइस, हो सकता है थोड़ा बहुत और डीप डाउन 3,000 के आसपास भी अगर डीप डाउन करके गया तो हो सकता है कि वहां तक भी चला जाए, 2950 के आसपास भी मे भी जा सकता है राइट। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर ये डीप डाउन करेक्शन देखने को मिलती है, एंड देन मार्केट विल स्टार्ट इट्स बुल रैली इन इथेरियम राइट। सो मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और इथेरियम के साथ भी कुछ ऐसा ही है। लास्ट वीडियो में मैंने आप सब लोगों के साथ बताया था कि बिटकॉइन के साथ भी ऐसा ही है कि यहां पर हम देख सकते हैं कि देखिए यहां पर हमको नजर आता है कि दिस इज द फर्स्ट वेव, सेकंड वेव डाउन, थर्ड वेव अप, फोर्थ वेव डाउन, एंड देन फिफ्थ वेव गोइंग अप। मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं अराउंड अबाउट $67,000 के आसपास का मूव राइट, और उसके बाद मार्केट के अंदर एक करेक्शन राइट, जो कि पूरा इट साइड डायरेक्ट करेक्शन नहीं आएगा, ए बी सी करके करेक्शन आएगा राइट। इस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एंड देन इट विल स्टार्ट मूविंग अप राइट लाइक दिस राइट, इस तरीके से। सो दिस विल बी द फर्स्ट, सेकंड, एंड देन थर्ड, इट विल गो ऑल द वे टुवर्ड्स द न्यू ऑल टाइम हाई राइट। तो इस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी क्या कुछ होता है। लेकिन यहां पर कुछ मेरी कुछ ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन है, पिछले वीडियो के अंदर आप सब लोगों को मैंने बताया था कि देखिए अगर हम यहां पर देखेंगे मार्केट के अंदर दो तरीके की एक्सपेक्टेशंस होंगी आने वाले वक्त के अंदर, कि या तो करेक्टिव मूव ऊपर की तरफ आए या इंपल्सिव मूव है। इंपल्सिव मूव में फाइव वेव्स होती हैं जो कि हमको क्लियरली अभी यहां पर नजर आ रही है कि देखिए वन टू थ्री राइट। कुछ लोग बोलेंगे कि सी भी तो हो सकता है, नहीं ये सी नहीं हो सकता है क्योंकि थर्ड जो होती है वो बड़ी वेव होती है, और लगभग ए और सी अगर होता अगर ये तो बराबर वेव्स होती राइट। जैसे कि अगर हम यहां पर देखेंगे पीछे आके तो हमको नजर आएगा कि ये जो दो वेव्स थी राइट, क्लियरली हमको यहां पर समझ में आता है कि दिस वेव एंड दिस वेव राइट, सो ये दिस वेव राइट, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल राइट। हम यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम इसको अगर हम देखेंगे यहां से तो हमको समझ में आएगा कि देखिए अगर मैं इसमें से एक ये इस तरीके से लाइन बनाऊं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर देते हैं राइट, तो इसी को ही अगर हम क्लोन करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि लगभग इक्वल वेव्स हैं राइट, ये लगभग इक्वल ही वेव्स हैं राइट। यहां पर हम देख सकते हैं क्लियरली, और इसी में ही आखिरी जो वेव थी वो हमको नजर आ रहा है कि आखिरी वेव जो थी वो ट्रंकेटेड वेव था यहां पर नीचे की तरफ। तो बेसिकली यहां पर हमको क्लियरली समझ में आता है कि प्रीवियसली इट वॉज अ करेक्टिव वेव लाइक दिस, यहां पर हमको नजर आता है कि दिस वॉज ए बी एंड देन सी राइट, ए बी सी, ये जो है ये एक करेक्टिव मूव था। अभी जो हम यहां पर मार्केट में देख रहे हैं वो है इंपल्सिव वेव राइट, वन टू थ्री और उसके बाद फोर, ये जो रेड कैंडल है दिस इज फोर एंड देन दिस इज फाइव राइट। इस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 67,500 समवेयर अराउंड दोज लेवल्स राइट, और वहां से मार्केट के अंदर देन ए बी सी इस तरीके से करेक्शन। और कुछ लोग ये भी चीज पूछेंगे जरूर कि क्या जो CME के ऊपर गैप है 56,000 57,000 के आसपास, क्या वो गैप फिल हो सकता है। देखिए हो सकता है कि फिल हो सकता है कि फिल ना हो। क्यों? देखिए आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि 2021 में जब बुल रन आया था उस समय पर भी कुछ इसी तरीके का सिनेरियो था, वहां पर भी एक गैप बना था, सिमिलर तरीके से गैप बना था, और वहां पर जो गैप था वो था करीब करीब $9,000 $9,300 के अप्रॉक्स,
और वो जब गैप फिल होने के लिए मार्केट नीचे की तरफ इसी तरीके से आया था वापस से नीचे की तरफ, उस समय पर वो गैप फिल करने की कोशिश की गई थी लेकिन वो पूरा गैप फिल नहीं हुआ था। आज भी वो गैप जो है वो पेंडिंग है, आज भी वो गैप फिल नहीं हुआ है $9,300 के आसपास। तो ये जो गैप है पूरा का पूरा फिल होगा या नहीं होगा इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप चाहें तो यहां पर मार्केट के अंदर अगर रिवर्सल अगर आता है $62,000 के नीचे अगर आपको यहां पर बीटीसी नजर आता है सो दैट विल बी द बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से बाइंग करने के लिए आने वाले कुछ दिनों के बाद। मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि राउंड अबाउट 61,000, 62,000, 60,000 राइट, ये जो लेवल्स होंगे दैट विल बी द जोन जहां पर की बाइंग की जा सकती है और वो होगा एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद मार्केट विल गो ऑल द वे टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाई, बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी सारे कॉइन्स भी। साथ ही साथ आप सब लोगों को एक और चीज दिखाना चाहूंगा जो कि है बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर। सबसे पहले मैं चार्ट खोल लेता हूं, उसके बाद आप सब लोगों के साथ स्क्रीन जो है वो शेयर करूंगा। तो यहां पर आ जाते हैं, एक और वीडियो आप सब लोगों के लिए लेकर आ जाएंगे वैसे इसी के ऊपर टोटली डेडिकेटेड। तो यहां पर हम एक चीज यहां पर देखना चाहेंगे वीकली चार्ट के ऊपर, राइट। तो वीकली चार्ट पे हमको एक तो चलती नजर आ रही है कि दिस इज राइजिंग वेज फॉर्मिंग, राइट। राइजिंग वेज जो होता है आप सब लोगों को पता है कि दिस इज यूजुअली बेरिश, राइट। तो मतलब अगर बिटकॉइन डोमिनेंस अगर नीचे गिरा तो यहां पर क्लियर कट हमको नजर आएगा कि आने वाले वक्त में हमको ऑल्ट कॉइंस में बहुत बढ़िया सीजन देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ हम एक चीज ये देख सकते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर जो चीज पहले सपोर्ट थी, राइट, दिस एरिया, दिस पॉइंट वाज अ सपोर्ट 57% के आसपास, वही जगह अभी जो है यहां पर रेजिस्टेंस की तरह बनी हुई है, राइट। सो बिटकॉइन डोमिनेंस यहां पर जो है वो एक तरीके से एक अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास पहुंच चुका है और यहां से हमको एक राइजिंग वेज भी देखने को मिल रहा है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर इज कि यहां पर मार्केट जो है वो इस जगह पे जाके मतलब थोड़ा बहुत अगर ओवर ऊपर निकल गया, 57 अभी 55 चल रहा है, 56 तक भी अगर ऊपर चला गया सो दैट विल बी टाइम जहां पर कि हम इसके अंदर बाइंग मैक्सिमम कर सकते हैं। 56 के आसपास अगर चला जाए तो दैट विल बी अ गुड टाइम एंड देन इट विल ड्रॉप लाइक दिस, राइट। कुछ इस तरीके से ड्रॉप देखने को मिलेंगे और मेरे हिसाब से यहां पर जो है एक बहुत बड़ा बुल रन जो है आने वाले वक्त के अंदर हम ऑल्ट कॉइंस के अंदर भी देखेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं। इस चीज के ऊपर आप जरूर ध्यान रखिएगा, नजर रखिएगा। यहां पर क्लियर कट मार्केट इंडिकेशंस दे रहा है कि दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड नॉट वेट फॉर दी फर्दर ड्रॉप्स। यहां पर जो है अगर कोई ड्रॉप अगर देखने को मिलता भी है 62,000 के नीचे, 62,000, 61,000, 60,000 के आसपास, मे बी 59,000, राइट। सो आई वुड से कि एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी आने वाले वक्त के अंदर यहां पर अगर हम बाइंग कर अगर यहां पर रखें ऑल्ट कॉइंस की, तो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा बंपर प्रॉफिट जो है वो हो सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज का इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।